download Tarang online radio app from Google Play Store. आप सुन रहे हैं तरंग डिवोशनल, आध्यात्म से जुड़े। अब मैं माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र से अनुरोध करूंगा कि कृपया किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधन करें। पूसा संस्थान के कृषि मेले में आए हुए सभी किसान बहनों और भाइयों, मंच पर आसीन कृषि अनुसंधान विभाग के सेक्रेटरी डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और किसान कल्याण विभाग के सेक्रेटरी श्री संजय अग्रवाल जी, श्री प्रभु जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर ए के सिंह डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर शर्मा जी, और हमारे उन्नत किसान भाई कर्नल जसवाल जी, और उड़ीसा से आई हुई हमारी किसान बहन श्रीमती महापात्रा जी, वैज्ञानिकगण, सभी उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले जो किसान इस मेले में पिछले दो दिन में आए और जिनमें से कुछ आज भी तीसरे दिन भी लंच के समय भी इसमें उपस्थित हैं, उनकी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि जो एक साइंटिफिक बॉडीज़ का उद्देश्य है कि जो भी वो तकनीक डेवलप करते हैं उसको लेबॉरेटरी से फील्ड तक कैसे लेकर जाया जाए, वो इस मेले में आकर उन्होंने इस गोल की उपलब्धि के लिए एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जब आप यहाँ आते हैं, जो आप यहाँ देखते हैं, वापस जाकर अपने गांव में बैठकर दूसरे लोगों से उसकी चर्चा करते हैं, इसी तरह इनके विकसित किए हुए जो भी बीज हैं, पौधे हैं, उनको ले जाते हैं और उनसे एक बेहतर उत्पादकता, बेहतर क्वालिटी और जो कृषि की एक उन्नति है उसको जो है आप प्राप्त करते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि आप तीन चार तरीके से यहाँ मेले में आकर जो IRI का या भारतीय कृषि जो का जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत बड़ी एक मदद देते हो। आप जिस स्टॉल पे जाते हो वहाँ जो वैज्ञानिक हैं उसको आप अपनी फीडबैक देते हो कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, और अलग अलग गोष्ठी में भी आप अपने विचार देते हो जिससे वैज्ञानिकों को वो किस चीज़ पे अनुसंधान करें, आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसके अनुसार अपना एक साइंटिफिक प्रोग्राम बनाने में उनको बहुत बड़ी इससे मदद मिलती है। तो इस बहुत उद्देश्य पूरे जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो आपका योगदान है, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जो पूसा का किसान मेला है उसमें रुचि केवल आसपास के गांव या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ ज़िलों तक ही सीमित नहीं है। इसमें सारे देश के जो किसान हैं वो आना चाहते हैं और यहाँ से
कुछ लेकर वापस जाना चाहते हैं। इसका जो श्रेय है वो एक जो डेडिकेटेड टीम है यहाँ पर वैज्ञानिकों की, जो कि क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं जब शाम को 8 बजे सैर करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 9 बजे तक कई जो कमरे हैं, कई जो लेबोरेटरीज हैं, उनमें लाइट जग रही होती है। तो कई बार मैं अपनी धर्मपत्नी से यह चर्चा करता हूँ कि इनको कोई चिंता नहीं है, IRI में कोई डायरेक्टर रेगुलर है या नहीं है, IRI में कोई DDG है या नहीं है, ये अपनी धुन में और अपनी लगन में और अपना एक डेडिकेशन के साथ अपने काम में जो है उसमें पूरा एक डेडिकेशन से लगे हुए हैं। उसी का ये परिणाम है जो हम देखते हैं कि सबसे पहले गेहूं में जो IRI है उसने एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके बाद में चावल में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके बाद में बासमती में जो है वो पूरी तरह से जो इनकी किस्में हैं वो एक किस्म से छा गई सब जगह पर, और फिर सीरियल से आगे जो है सब्जियों में, फलों में और तिलहन में, दलहन में, हर जो फसल के क्षेत्र है, क्योंकि इनका मैंडेट फसल के क्षेत्र पे काम करने का है, फिशरी या एनिमल हस्बेंड्री का पूसा संस्थान का फोकस उस पर नहीं है, तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इन्होंने की है जिसके लिए देश किसानों के साथ साथ यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने इस संस्थान को लीड किया, मैं समझता हूँ उनका भी ऋणी है। और ये किसान और विज्ञान का एक बहुत अच्छा जो हमारे देश में एक योगदान रहा उसका एक परिणाम है कि आज हम लगभग सभी जो जिनसे हैं केवल खाद्य तेलों को छोड़कर हम शॉर्टेज से सरप्लस की स्थिति में पहुंच गए हैं। आज देश में इतनी खपत नहीं है जितनी पैदावार हो रही है, और देश के सामने अब ये चिंता का एक बहुत बड़ा विषय उठ रहा है कि जो हमारी इतना उत्पादन हो रहा है उसके लिए हम मार्केट कहाँ ढूंढें, और उसी की वजह से जो हम एक्सपोर्ट, नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको एक पिछले वर्ष लाया गया और उसको अब फील्ड में लागू करने के लिए बहुत सी जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक देश जो किसी ज़माने में भूख से इतना परेशान था, हर जगह शॉर्टेज ही थी, अब वो हर जगह जो है सरप्लस फेस कर रहा है। इतनी चीनी हमारे पास उत्पादन हो गया कि बफर स्टॉक में रखने की जगह नहीं है, इतने चावल पैदा हो गए और दालों में भी ऐसा हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन इतना हुआ है आप लोगों के सहयोग से, विज्ञान से, नीतियों से, इसमें एक बहुत बड़ा हमें एक फख्र की बात भी है कि हमने ये उपलब्धि की, लेकिन उसके साथ में एक चिंतन की भी आवश्यकता है। चिंतन की आवश्यकता इसलिए है कि यदि उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उससे प्राइसेस गिर जाती हैं तो जो किसान को होने वाली आय है वो ज़्यादा होने से कम हो जाती है, कि यदि आपने बहुत पैदा कर दिया, 10% ज़्यादा पैदा कर दिया और कीमतें 15% कम हो गई, तो आपकी आय 10% ज़्यादा उत्पादन करके 5% कम होगी बजाय इसके कि वो उसको बढ़ना चाहिए। तो ये एक मसला है जिससे जो है नीति वाले, हमारी पॉलिटिकल क्लास, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, सेक्रेटरी साहब, नीति आयोग, सब जो है इसको के जो एक भारत का कृषि अब एक नई परिस्थिति में आ गया है तो उसमें जो एक नई चुनौतियां आई हैं उस हम उसको कैसे हल कर सकें, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो कृषि विभाग के सेक्रेटरी हैं अग्रवाल जी, उन्होंने भी किया, और देशवाल जी ने भी हमारे ध्यान में ये बात लाए कि जो 75,000 करोड़ आपने PM किसान में 6,000 रुपया किसान को दे रहे हैं, यदि इतना इन्वेस्टमेंट पे लगता तो 5 साल के बाद इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बारे में अग्रवाल जी ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये PM किसान के विधाता और निर्माता और अब जो है
संचालक भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस स्कीम के लाने के पीछे क्या वजह थी। हमारा देश विविधताओं का देश है, कहीं पे MSP मिलती है, कहीं पे MSP नहीं मिलती। देसवाल जी ने हरियाणा की एग्जांपल दी, वहाँ पर कभी भी राइस और बीट की प्राइस MSP से नीचे नहीं जाती। लेकिन जब पिछले वर्ष बजट के बाद 50% नया फार्मूला आया, MSP नई दी गई, उसके बाद हमें सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, कि इसको मॉनिटर करिए कि कहाँ मिली है, कहाँ नहीं मिली, कितनी कम मिली है, किसान को इसकी वजह से कितना गेन हुआ और कितना जहाँ नहीं MSP इम्प्लीमेंट हुई उसको कितना कम इनकम रहा। तो हमने ये देखा कि इसमें जो MSP है उसमें एक आगे जो हम MSP जिस प्रोड्यूस को देते हैं उसमें निरंतर एक वृद्धि होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत जगह बहुत प्रदेशों में जो किसान को जो MSP थी उसके काफ़ी नीचे कीमतें मिली। तो उसके हमने आंकड़े जो है बनाए और फिर जो सरकार के बाकी विभाग हैं उन्होंने भी ये बताया कि इस वर्ष जो कृषि की कीमतें हैं यदि हम ओवरऑल उसको देखें तो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, इसलिए जो किसान का ग्रोथ हुआ आउटपुट का 2.8%, उससे उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो उसको फिर कैसे उसकी आय में जो कमी हुई कम कीमतों से उसको पूरा किया जाए, उसका अग्रवाल जी ने, हमने और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस पर बहुत चर्चा किया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बहुत चर्चा किया कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप कितना प्रोड्यूस मार्केट में लाए, किस रेट पे वो बिका, यदि वो MSP से कम था तो उतनी भरपाई कर दी जाए। लेकिन फिर उसकी भी कमियां आगे आई कि बहुत से किसान तो लाते ही नहीं, तो उनसे कोई बीच वाला कोई ट्रेडर है वो उनका प्रोड्यूस लेकर मार्केट में लाता है, तो ये सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो उन सब को देख कर के अभी जो है ये प्राइसेस जो डिप्रेस्ड हैं और जो किसान की इनकम का स्लोगन दिया है प्रधानमंत्री ने कि हमें इनकम को डबल करना है, उसको एक उसी दिशा में दिया गया एक कदम है जो PM किसान है, जहां किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिली कुछ हद तक उसकी भरपाई करने का एक प्रयत्न है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अब बदल रही हैं, तो बदलते हुए प्रवेश में आज तो ज़्यादा समय नहीं है, आपसे कभी द्वारा शेयर करेंगे कि किस तरह से हमें नए तरीकों की अब तलाश करनी पड़ेगी, नई फार्मिंग सिस्टम अप्रोच हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पानी जो है वो नीचे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें नई टेक्निकी और नई किसान की हेल्प करनी पड़ेगी कि वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है उनको अडॉप्ट करें। इसी तरह जैसे जसवाल जी ने कहा कि किसानों के आपस में समूह बनाकर यदि वो 2 एकड़ ज़मीन अकेला ऑपरेट करता है तो सचमुच में उसको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता, तो उनके समूह कैसे बनाए जाएं, तो इसमें भी हम निरंतर कभी एक नया लैंड लीज लॉ लाते हैं, कभी नया एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉ लेकर आते हैं, और इस पे भी चर्चा हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए ताकि वो किसानों की मदद करे उसको बेटर प्राइसेस लेने में, डायरेक्ट मार्केटिंग में किसानों को कैसे जोड़ा जाए कि वो अपना प्रोड्यूस मंडी में ना ले जाकर वो डायरेक्टली दिल्ली के कंज्यूमर हैं, मेरठ के कंज्यूमर हैं या किसी और शहरों के कंज्यूमर हैं उनको वो सीधे में उसको बेच सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को हम कैसे लेकर जाएं और स्टार्टअप नए नए कैसे स्टार्ट किए जाएं, तो ये सारे इसकी ओर जो है अब जो है आगे नए परिवेश में नई परिस्थिति में इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर लगातार विचार हो रहा है और लगातार उस पर ये चर्चा हो रहा है। उसी तरह पहले जो कृषि में हमारे एक लक्ष्य आधारित होते थे वो ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, अब क्योंकि शॉर्टेजेज नहीं देश में रही तो अब उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उसकी बेटर प्राइस कैसे दी जाए, उसको क्वालिटी के बारे में कैसे अवेयरनेस दी जाए, ग्रेडिंग को हम कैसे इनकरेज कर सकें,
ताकि उत्पादन के साथ साथ किसान की जो इनकम है हम उसको इंक्रीज करने में उसका जो है रोल बढ़ाएं। और इसके लिए क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट का सब्जेक्ट है, अग्रवाल जी भी लगातार स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि जो सुझाव केंद्र की ओर से प्रदेशों को दिए जा रहे हैं यदि प्रदेश पूरी तरह से उसके केंद्र के साथ मिलके उसको नहीं करते तो हमारे जो किसानों की इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उसको पूरा असरदार तरीके से हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते, उनके सलूशन नहीं निकाल सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। सिर्फ एक लास्ट बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि यदि आप इंटरनेशनल प्राइसेस देखो अधिकांश चीज़ों के वो हमारे से बहुत नीचे चले गए। पहले स्थिति जो है वो इससे विपरीत थी कि हमारी प्राइसेस बहुत चीज़ों की कम थी और इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा थी, लेकिन आज यदि मैं गेहूं को ही ले लूं तो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत 1350 रुपये क्विंटल है, जबकि हमने वायदा किया है कि हम MSP 1700 रुपया या उससे ऊपर अपने किसानों को देंगे। ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक परमानेंट सिचुएशन है, प्राइसेस नीचे ही रहेंगी, लेकिन एक साइकिल आते हैं कुछ साल तक ये नीचे रहेगी। और दूसरा उसके साथ साथ हमारे पास सरप्लस है जिसको हमने विदेशों में बेचना है, तो इसमें भी ऐसा हम विचार कर रहे हैं कि क्या हम MSP किसान का प्रोड्यूस मार्केट में खरीदने की बजाय उसको डेफिशिएंसी के रूप में दे सकते हैं कि किसान की उत्पादन उसको वो रजिस्टर कर ले, बाद में मंडी की प्राइस को देख लिया जाए, जो डिफरेंस है दोनों में यदि किसान को MSP नहीं मिली तो उसको डिफरेंस भी भरपाई कर दी जाए और बाकी प्रोड्यूस अपना मार्केट रेट पे जो है उसको बिकना चाहिए। क्योंकि कई किसान कहते हैं कि आप इसको लाभ ना दीजिए कि इसके नीचे MSP से कोई खरीद ही नहीं सकता, लेकिन व्यापार को आप बांध नहीं सकते। लाभ ना के हमने महाराष्ट्र में इसको कोशिश की, व्यापारियों ने उसको लेना ही बंद कर दिया था, बाद में बड़ी मुश्किल से उसका एक समाधान ढूंढा गया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि नए परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के साथ हमारा एग्रीकल्चर आ गया है, थोड़ा इसको समय लगेगा जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। उसमें IRI के, ICR के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो विद्वान हैं वो भी अपना ज्ञान और जो उनको लगता है कि सही है वो भी हम उनसे ले रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे हमने पिछले 40 साल में, यदि मैं आपसे एक आंकड़ा आखिर में शेयर कर सकूं, कि 1970 के दशक में हम प्रति व्यक्ति हर रोज़ 1 किलो खाना टोटल पैदा करते थे। यदि हम सभी खाने मिला लें टोटल फूड, तो 70 के दशक में हम प्रति व्यक्ति 1 किलो खाना प्रतिदिन के हिसाब से पैदा करते थे, जिसमें अनाज, दालें, दूध, अंडा सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। 70 से लेकर आज तक हमारी आबादी 50 करोड़ से 130 करोड़ रुपया हो गई, 130 करोड़ हो गई, लेकिन आज हम 1 किलो 650 ग्राम टोटल जो हमारे फूड हैं, खाद्यान्न हैं, उसको पैदा कर रहे हैं। 65% की वृद्धि पॉपुलेशन की इंक्रीज के बावजूद जो है हमने किया, और हमारे ये अंदाजे हैं नीति आयोग में कि अगले 10-15 साल में इसमें और 30% की वृद्धि हो जाएगी और हर रोज़ हर व्यक्ति के लिए 2 किलो तक का खाना हमारा जो किसान है वो एक पैदा करेगा। अब हमें वही जो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो एक उपलब्धि उत्पादन में आई, हम उस उपलब्धि को इनकम में, पैसे में कैसे ट्रांसलेट करें, तो वो एक लगातार उस पर मंथन हो रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि जैसे हमने उत्पादन में वृद्धि की, आने वाले समय में हम उसी रेट से जो किसान की आय है उसमें वृद्धि करने में कामयाब होंगे, और तब वो जो हमारा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसान की आय की उन्नति को प्राप्त कर सका, जैसे हमने पहले जो है उत्पादन की उन्नति जो है उसको प्राप्त किया। तो इन बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से हमें सुना। जय हिंद।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.